हेलो दोस्तों, जय माँ काल, राम राम, राधे राधे। सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो अपना टॉपिक अगला बचा हुआ था, जो अपन इसके एकीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, राजस्थान का एकीकरण, उसके हमने एकीकरण के बारे में प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बारे में ट्रिक के माध्यम से बताया। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में और पंचम चरण में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं तीसरे चरण में क्या क्या हुआ था दोस्तों। तो इसकी इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों कि तीसरा संयुक्त पंडित उदय माँ, तीसरा संयुक्त पंडित उदय माँ, याद रखना इसको दोस्तों, 10 से 12 बार बोल लेना, जिससे आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। फिर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप तुरंत आइडिया लगा लोगे कि इसमें क्या होगा। तो तीसरा से तृतीय चरण होगा दोस्तों। तीसरे का अर्थ है तीसरा चरण, मतलब तृतीय चरण। तो तीसरे चरण में क्या क्या हुआ था। तीसरे चरण में संयुक्त से याद रखना दोस्तों कि संयुक्त राजस्थान बना था। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बना था संयुक्त से। पंडित से याद रखना दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे, इसके उद्घाटनकर्ता थे। तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उदय से याद रखना दोस्तों, उदयपुर यहाँ की राजधानी भी है और ये इसमें शामिल हुआ था तीसरे चरण में उदयपुर। माँ से याद रखना दोस्तों, माँ से होगा माणिक्यलाल वर्मा, जो यहाँ के पीएम थे दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा यहाँ के पीएम थे। ये हो गए दोस्तों अपना पूरा ट्रिक का कारोबार। तीसरा संयुक्त पंडित उदय माँ। तो तीसरा से तृतीय चरण, संयुक्त से संयुक्त राजस्थान, पंडित से पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्घाटन करता उदय से याद रखना दोस्तों उदयपुर, ये राजधानी भी थी और यही एक जिला इसमें जुड़ा था। माँ से याद रखना दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, ये सभी याद रखने की चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें 10 रियासतें हो गई थी और 3 ठिकाने, एक ठिकाना हो गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें उदयपुर यहाँ की राजधानी है, ये भी याद रखना, उद्घाटनकर्ता बता चुके हैं। चतुर्थ चरण में दोस्तों क्या होगा, चतुर्थ चरण की ट्रिक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है चतुर्थ चरण की, कि चौथा वह जयपुर जो जैसे भी सर हिला रखा है, चौथा वह जयपुर जो जैसे भी सर हिला रखा है, याद रखना दोस्तों इसको 10 से 12 बार याद कर लेना, कि चौथा वह जयपुर जो जैसे भी सर हिला रखा है। तो चौथा से याद रखना दोस्तों, जो चौथा चरण है वो चौथा, वह से याद रखना दोस्तों चौथा चरण, चतुर्थ चरण वह से वहद राजस्थान हो गया दोस्तों। वहद राजस्थान इसकी राजधानी है, जयपुर इसकी राजधानी बनी थी, जयपुर राजधानी बनी थी। कौन कौन से ज़िले इसमें जोड़े गए, वो है जोधपुर हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर, जो से क्या हो गया जोधपुर, जैसे से हो जाएगा जैसलमेर, बी से हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, और सर से हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर से याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो यहाँ के उद्घाटन करता थे चतुर्थ चरण के, जिसकी राजधानी थी जयपुर, सर से। और ही से याद दोस्तों, हिला से याद रखना दोस्तों, जो हिला है ये हिला, इससे याद रखना हीरा लाल शास्त्री हो गया। अब दोस्तों ला से याद रखना, जो लावा ठिकाना है वो भी इसी में जुड़ा था, हीरा से हीरा लाल और ला से लावा ठिकाना, ये इसमें जुड़े हुए थे। हीरा लाल शास्त्री तो यहाँ के पीएम थे। और दोस्तों नेक्स्ट है जो अपना पंचम चरण होगा, उसके बारे में हम पंचम, छठा और सातवां, उसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पहले वाले भी वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, जिसमें प्रथम और द्वितीय चरण है और आज का में तृतीय और चतुर्थ चरण है। अगले वाले वीडियो में तीनों जो चरण बचे हैं, पंचम, षष्ठम और सप्तम, इन चरणों की ट्रिक हम पहुंचा देंगे आप तक दोस्तों। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।